हेलो बच्चों, लेट्स सी क्वेश्चन। अ पर्सन कैन हियर फ्रीक्वेंसी अप टू 10 किलोहर्ट्ज। अ स्टिप पियानो वायर 50 सेंटीमीटर लॉन्ग मास 5 ग्राम इज स्ट्रेच्ड विद अ टेंशन ऑफ 400। द नंबर ऑफ द हाइएस्ट ओवरटोन ऑफ द साउंड प्रोड्यूस बाय दिस पियानो वायर दैट पर्सन कैन हियर। तो बच्चों, अगर अपन देखें यहाँ पर तो की कॉन्सेप्ट क्या है आपके पास, की कॉन्सेप्ट की कौन सा होगा, नंबर ऑफ द हाईएस्ट ओवरटोन ऑफ द साउंड प्रोड्यूस बाय द पियानो वायर दैट इज पर्सन कैन हियर। अब बात सीधा बोल सकते हैं, दिस इज द वेव ऑन अ स्ट्रिंग, वेव ऑन अ स्ट्रिंग फिक्स्ड फ्रॉम बोथ द एंड, फिक्स्ड फ्रॉम बोथ द एंड्स, बोथ द एंड्स। तो अगर फिक्स फ्रॉम बोथ द एंड्स की अगर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की बात करें हम बच्चों, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी इसकी, ये इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। अगर ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होगी, इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, अगर ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होगी बच्चों, तो मान लेते हैं इसका लेंथ एल है, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ये लैम्डा बाई टू हो जाएगा, नॉट नॉट बनेंगे दोनों, तो एल जो हो जाएगा वो लैम्डा बाई टू के बराबर हो जाएगा, तो लैम्डा जो हो जाएगा 2L हो जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी जो फंडामेंटल हो जाएगी वी बाई 2L। सेकेंड फर्स्ट ओवरटोन जो हो जाएगा वो जाएगा आपका इसके यहाँ से 2V/2L, सेकेंड ओवरटोन जो जाएगा वो जाएगा 3V/2L। ठीक है, तो कोई भी पीथ ओवरटोन को लिख सकता हूँ पी प्लस 1V/2L, ये पीथ ओवरटोन हो गया। अगर 0 बोलूँ तो 1 बोले तो 2, 2 बोलेंगे 3। अब ये P प्लस वी बाई टू एल जो है हमारे पास, वो जो होना चाहिए वो मैक्सिमम जो हो जाना चाहिए वो कितना हो जाना चाहिए आपका 10 किलोहर्ट्ज। तो ये हो गया P प्लस 1। वी कितना है आपके पास, वेलोसिटी ऑफ साउंड निकालेंगे हम तो रूट ऑफ सॉरी वेलोसिटी ऑफ स्ट्रिंग निकालेंगे तो रूट ऑफ टी बाई म्यू आएगा। तो टी कितना है आपका, तो टी जो है वो आपका है 400 न्यूटन, और म्यू जो है वो 5 ग्राम, और टोटल लेंथ है 50 सेंटीमीटर। तो अगर अपन देखें इसको तो ये हो जाएगा 5 ग्राम 10^-3 अपॉन 50 सेंटीमीटर 15 × 10^-2। तो ये 0 से 1 0 चली जाएगी, ये 0 से 1 0 चली जाएगी, ये 2 चला जाएगा आपका, और 1 0 ऊपर प्लस हो जाएगी, तो ऊपर हो जाएगा आपके पास 40,000, यानी कि इसका स्पीड हो जाएगा 200 मीटर पर सेकेंड। तो ये हो गया पी प्लस 1 इंटू 200 अपॉन 2+1 2L, L कितना है आपका 50 सेंटीमीटर, यानी कि 2 × 1/2 एंड दैट इज इक्वल टू 10,000। तो 2 0 से 2 0 कट गए बच्चों यहाँ से, इससे ये कट गया, तो P प्लस 1 इज इक्वल टू 50, तो P हो जाएगा आपका 49। सो फाइनली वो 49th ओवरटर्न तक सुनाई दे सकता है इसको, उससे ज़्यादा पढ़ने। सो फाइनल आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज सी, एंड आई होप यू अंडरस्टूड इट। बेस्ट ऑफ लक।